सो शुरू करते हैं आपसे। सर जब मैं मेडिटेशन कर रहा था ना, तो ये जो सेंटर है ना, सेंटर में पीछे खिंचाव हो रहा था, ऐसा लगा कोई ऐसी एनर्जी उस पर कि बहुत तेज से खींच रही है, बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा था। और अभी भी यहाँ पे ना अभी भी बहुत वैसा लग रहा थोड़ा, ऐसा लगा कुछ चीज़ बैठी हुई है इधर। और जब मैं ओम का उच्चारण कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने मुँह से नहीं बोल रहा, मेरा जो एक पूरा पाठ है ना उससे बोल रहा हूँ, और ये कान में मेरे कान में सुन सी आवाज आ रही थी, सुन ऐसे बजाते थे। और एक पल ऐसा है कि मैं ऑटोमेटिक उच्चारण कर रहा हूँ, मतलब प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ रही, अंदर से कोई करवा रहा है उनको उच्चारण, मेहनत नहीं करनी पड़ रही। हाँ मेहनत नहीं करनी पड़ी, असल में कोई ऐसी ऊंचाई जो ऊपर से खींच रही है कि ओम को उच्चारण और करो और डीपली करो, ऐसा महसूस हुआ मेरे को। और मुझे महात्मा बुद्ध नज़र आए, अच्छा उनका पूरा शरीर नज़र नहीं आया, उनकी एक लाइट नज़र आई कि एक आस्था में बैठे हुए हैं, वो आशीर्वाद दे रहे मुझे, उनका पूरा वैसा नज़र नहीं आया, उनका कोई फेस नज़र नहीं आया, उनकी खाली लाइट नज़र आई बस। और मुझे महाकालेश्वर नज़र आए, महादेव का स्वरूप महाकालेश्वर नज़र आए। अच्छा और क्लीन कर पाए कुछ जो वाइट लाइट? हाँ मेरे को कलर भी नज़र आए, मतलब ऐसा लगा एक डॉट यहाँ पे ब्लू येलो हरा पीला ऐसे लाइन में सब नज़र आए थे और रोटेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसा फील हुआ मुझे। थैंक यू रेकी। थैंक यू रेकी मैम। मैं तो पता नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की हुई ऐसे दे सकते ना, लंग्स यूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी हील हुई, और मतलब पीछे ऐसे धक्का सा लग रहा था बहुत ज़्यादा, और बाकी तो मेरे को सारे ही शरीर इधर जितने भी होंगे वो नज़र आ गए। और बाकी ये था थोड़ा, जब ऑरा क्लीन कर रहे थे वो लेके तो मेरे को वाइट लाइट नहीं आई थी, ब्लू टाइप जैसे थोड़ा होता ना, बिल्कुल वाइट नहीं आई ऐसे, और बस मगर एनर्जी इतनी हो रही थी कि ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट जैसे होते ना, या तो मैं मूव करने लग जाऊँ, अगर मैं रोकी जा रही थी बट एक्चुअल में मतलब इतनी जनरेट हो गई। जी गुड़िया कैसा रहा आपका? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो सर उस टाइम पे इस वाले पोर्शन में मतलब कुछ अलग सा ही हो रहा था, और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कुछ निकलने वाला, मीन्स जैसे फ्लावर टाइप कुछ उस टाइप सा लगा। और फिर जब ऑरा क्लीनिंग के टाइम पे जब एनर्जी वो आई जब सर के ऊपर क्राउन पे थी तो मैंने उसे पकड़ा था सर हाथ में, बिल्कुल थोड़ा गरम गरम सा लग रहा था, और फिर जब मैं उसे फुल बॉडी से लेके जा रही थी तो पता चल रहा था कि हाँ अभी कहाँ पे वो एनर्जी है, तो वो सब कुछ पता चल रहा था। और जो ओम के उच्चारण में सर उस टाइम पे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था फुल मतलब मैं यहाँ से बोल रही हूँ बट वाइब्रेशन फुल बॉडी में हो रही है। और उस टाइम पे मैं साईं बाबा, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, तो उस टाइम जब मैं उन्हें ही याद कर रही थी तो वो भी मेरे सामने आए थे, उन्होंने खुद अपना हाथ मेरे सर पे रखा और उनके हाथ से जो एनर्जी आ रही थी वो मेरे पूरी बॉडी में वो एनर्जी जा रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। सर जब ऑरा क्लीन कर रहे थे तो जो वाइट लाइट ऊपर से आ रही थी तो जो मेरे हाथ थे वो अपने आप ऊपर जा रहे थे और अपने आप ही नीचे आए, मैंने ना हाथों को ऊपर किया है ना नीचे किया, वो अपने आप ही गए ऊपर, बहुत स्लो स्लो नीचे आए, स्लो स्लो ऊपर गए, और सारे एनर्जी ने किया, मैंने खुद कुछ नहीं किया। जब अपने ट्रीटमेंट दिया तो सर में तो ठंडक सी महसूस हुई लेकिन हाथों में गर्माइश महसूस हुई, और बाद में लग गया हाथों में वाइट एनर्जी है पूरी उंगलियों में, बड़ा फील हो रहा था कि हाँ भाई एनर्जी है, वाइब्रेशन लग रही है, शक्ति मिली है, शक्ति फील हुई है मुझे, और लगा है पूरे हाथों में जो वाइट वाइट उंगलियों में एनर्जी जा रही है, पूरा वाइट वाइट हो रहा है, मतलब बहुत फील हुआ है। बॉडी में आया ना? हाँ बॉडी। थैंक यू रेकी। हाँ जी भाई साहब कैसा रहा आपका मेडिटेशन एक्सपीरियंस? बढ़िया अच्छा रहा। पहली बार आप जब दूसरे आपने हाथ स्पर्श करे उसके बाद का ज़्यादा बेटर रहा, जैसे मैं रेकी तक कनेक्ट हुआ, रेकी का रेकी शक्ति से मैं पूरा कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। हाँ पूरा वाइटनेस मेरे ऊपर थी, ऐसा था एक तो ऐसा रहा जैसे गुलाबी नशा हो, और तुम्हारी है। थैंक यू रेकी माता। हाँ बच्चा, अच्छा बहुत लाइट फील हो रहा है,
बहुत ज़्यादा, और आप भी मेरे को दिखे, शिव जी भी दिखे, आप भी दिखे, सब थैंक यू, थैंक यू जी महतरमा। यस सर, सर जब आपने कहा ना कि अपने भगवान को देखे, उस समय एक्चुअली मैं किसी आइडल, किसी फेस को पूजा नहीं करती, मैं उस अकाल पुरुष की पूजा करती हूँ जो अदृश्य है। तो मुझे एक जैसे आउल होता है ऐसा एक बर्ड दिखाई दिया, बहुत कलरफुल, बहुत अच्छा था, पिंकिश कलर ज़्यादा उसमें, और वो बिल्कुल मेरे इतना क्लोज खड़ा हुआ है, वैसी इमेज मेरे सामने आई। एंड फिर थोड़ा सा कम्युनिकेशन हुआ उनका, मतलब वर्बली नहीं, एंड जैसे आपने कहा कि उन्होंने कुछ पावर दिया आपको, एनर्जी दी है नॉट, तो स्पार्कल सी हो गया, स्पार्कल स्पार्कल है ना बॉडी के अंदर। हाँ कैसा फील कर रहे हो? आपने जब हैंड रखा था दैट टाइम यहाँ पे गर्म हो गया था, फील लाइक हेलीपैड के ऊपर होते हैं ना ऐसे, उसके विंग्स होते हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर, ऐसा इतना ऐसा भारी, ये चीज ऐसा भारी हो गया, ऐसा ऐसा एक मिनट के लिए भी मेरा ऐसा जाम हो गया। तो उसके बाद लेटर ऑन रिलीज, उसके बाद अगेन अपने वो स्टिल आया लास्ट में एक म्यूजिक ओम ओम के लिए, और फिर थैंक अपने सारे गॉड्स को थैंक्स करो है ना, और फिर थैंक्स करना स्टार्ट किया, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, बहुत सारी बातें बोली, थैंक्स बोला, फोरहेड पे ऐसे लग रहा था जैसे लेजर लाइट है ना, लेजर लाइट से समथिंग समबडी इज राइटिंग समथिंग, कंटिन्यूसली राइटिंग राइटिंग राइटिंग, इतना से पोर्शन में लेजर लाइट कुछ देर तक चलती रही लेजर लाइट, तो चुप रही थी मेरे को। थैंक यू रेखी माँ, थैंक यू विकास सर, थैंक यू ईश्वर, आपके समर्पण के लिए थैंक जी बच्चा। मेरे को तो कुछ और नहीं हुआ, बस इतना हिस्सा ऐसा लगा था एक मिनट के लिए जैसे सुन हो गया, और मेडिटेशन अब कैसा लग रहा है? पहले और में कुछ हल्का हल्का लाइट लग रहा है ना, बॉडी थोड़ी सी है ना, भारी नहीं है ना, अच्छा लग रहा है। थैंक यू।